नमस्कार दोस्तों, मैं यूसीजी स्वागत करता हूँ आपका सॉल्यूशन टैग पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा एक वीडियो देखा था और मैंने आपको बताया था कैशविन चुतियापा ऐप ने मेरे साथ कैसे कैसे मतलब फ्रॉड किया, कैसे चीट किया, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों क्या आप लोगों को अगर ये बताया जाए कि आपको 1500 रुपये मिल रहा है और आपको एक घंटे बाद या दो दिन बाद या 10 दिन बाद आपको उस 1500 रुपये का 1800 रुपये रिटर्न करना है, तो क्या आप उस पैसे को लेंगे? शायद दोस्तों आप लोगों का जवाब ना होगा। उसी तरीके से मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई। मैंने कैशविन ऐप को डाउनलोड किया और मुझे किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि वो ऐप मुझे कितना पैसा देगी, कितने दिनों बाद उसको चुकाना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं कुछ दिनों तक तो उसकी कितनी पेनल्टी होगी, कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। दोस्तों क्या आप ये बताइए, जो व्यक्ति 50 से 60 हज़ार और 1 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर रहा होगा, क्या वो 1500 रुपये का लोन लेगा? शायद आप लोगों का जवाब ना होगा। दोस्तों मैं एक दिन 50 से 60 हज़ार रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर रहा था और मुझे लोन जो चाहिए था कम से कम 60 से 70 हज़ार या 1 लाख रुपए के आसपास मुझे लोन चाहिए था। मैंने कैशविन ऐप को लालच में आकर के डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद उसने जो मुझे पैसा दिया वो दिया सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये, वो भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। मुझे किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मुझे उन लोगों ने कॉल किया कैशविन चुतियापा नंबर से, जो नंबर है 0120-6862-000। मैंने जैसे इस नंबर को देखा तो उस पर लिखा है कैशविन चुतियापा, तो मैं समझ गया कि फ्रॉड और चीट है और मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इग्नोर करने का नतीजा ये निकला कि उस कैशविन चुतियापा नंबर को इग्नोर करने की वजह से मुझे 1500 का 3500 चुकाना पड़ा 15 दिन के बाद। दोस्तों तो आप खुद बताइए कि जिस तरीके से उस कंपनी ने मुझे चीट किया, तो आप लोग भी उस कंपनी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे ही शिकार होंगे। आप लोग लोन लेना चाह रहे होंगे 50,000 या 1 लाख रुपया और वो आपको 1500 रुपये अकाउंट में डाल के आप लोगों के कैरियर को खिलवाड़ करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपको लीगल नोटिस भेज भेज के सिविल कोर्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा। दोस्तों ये तो आपको मानना पड़ेगा, आप अगर किसी से पैसा लेंगे वो तो आपको लौटाना ही लौटाना है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, मुझे भी लौटाना पड़ेगा। और मुझे पता अगर मैं किसी से 1000 रुपये या 1500 रुपये लूँगा तो मुझे लौटाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे 1500 की जगह 1600 लौटाना पड़े या 1700 लौटाना पड़े, लेकिन लौटाना तो है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मुझे 1500 लेकर के 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास मुझे लौटाना पड़ेगा। तो एक दिन मुझे कैशविन चुतियापा ऐप ने इसी तरीके से मैसेज कर करके मुझे मेरे माइंड को हैंग कर दिया और मैंने सोचा कि यार लीगल नोटिस यानी कि ये कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप लोग अगर कहीं पर पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं और किसी व्यक्ति से आप अगर लोन लेते हैं तो वो आपकी आईडी को सिविल कोर्ट में डाल देंगे, जिस वजह से आपके इन फ्यूचर में कोई व्यक्ति आपको लोन नहीं देगा और आपका कैरियर पूरी तरीके से तहस में से इनके पूरा कैरियर आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को इग्नोर ना करें और ऐसी ऐसी ऐप को डाउनलोड करने से बचें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। आप लोग अगर मेरे चैनल पर आए हैं न्यू तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि सारी की सारी वीडियो देखने के लिए मैं आपको सबसे पहले, और इसके बाद मैं आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो बना करके और भी जानकारी देने वाला हूं। आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और उस कमेंट का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार। आप अगर चैनल पर नया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन को।